दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं कि टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहां पे बिटकॉइन की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही आप पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टोकरेंसीज को जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से आगे पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं कराए या फिर आप यहाँ पे सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है, आपको बाकी डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों, मैं आप सभी को रिमाइंड करना चाहूँगा कि यहाँ पे OKX आप सभी लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कैंप लाया है, जिसमें अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं कराया तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, जाके उसे पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे रेफर लिंक के थ्रू ही आप इस कॉम्पिटिशन में जा सकते हैं और $50 डिपॉजिट करने पर आपको $10 का यहाँ पर बोनस भी मिलने वाला है। तो ऐसे मौके को ना छोड़िए और $2,500 का पूल है जहां पे कि आप प्राइस जीत सकते हैं आप यहां पे ट्रेडिंग करके। लास्ट डेट 22 जुलाई है, तो उससे पहले आप जा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा यहां पे इनाम भी जीत सकते हैं। बाकी बोनस तो आपके लिए यहां पे है ही। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आगे की जो न्यूज़ हैं वो यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिट मैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, बिटकॉइन थोड़ा सा बोर कर रहा है हम सभी लोगों को, क्योंकि एक ही बहुत ज़्यादा चौपी रेंज के अंदर यहाँ पे घूम रहा है। तो फाइनली अगर बात करें तो बिटकॉइन का ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो वॉल्यूम अच्छा खासा डिक्लाइन हो गया है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यस, बिटकॉइन का ब्रेकआउट आने वाला है। अब इसका ब्रेकआउट किस तरफ होता है वो देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल में अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे फंसा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ये जो व्हाइट लाइन है ये बिटकॉइन को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। इवन दैट यहाँ पे बहुत बार बिटकॉइन इसको तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन स्टिल जो प्राइस है उसको यहाँ पे बायर्स ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर प्राइस को नीचे ले जाने का कोई भी मूड नहीं बन रहा है। बट यस, प्राइसेस नीचे टूट सकती है, क्योंकि जो भी पैटर्न्स होते हैं वो 70-30 के रेशियो पे वर्क करते हैं। 70% अपने डायरेक्शन में टूटते हैं और 30% अपोजिट डायरेक्शन में टूट सकते हैं। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी ट्रेड करो। बहुत ज़्यादा चॉपी जोन में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर बड़े ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हो तो ब्रेकआउट का वेट कर लो। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे ये दो लाइन, जो कि एक ये है और एक ये है, और ये दोनों लाइन मिलके यहाँ पे बना रही है फॉलिंग वेज। आप सभी को पता है फॉलिंग वेज बेसिकली एक बुलिश पैटर्न होता है, बट वो 70-30 का रेशियो यहाँ पे लगेगा। तो स्टिल अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 जुलाई के आसपास का जो टाइम है वो है इसका एक एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे कि इससे पहले पहले हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि इस रेंज का ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस रेंज के ऊपर आपको फोकस करना है और तैयार रहना कि 20 जुलाई से पहले आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है। हाँ, अगर प्राइसेस यहाँ पर इस तरह साइड में ही चली जाती हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि 20 तारीख से पहले पहले हमें कोई ना कोई सा ब्रेकआउट मिलेगा। और अगर प्राइसेस को अपसाइड में ब्रेक करता है तो प्राइस अगर 10K को आगे हिट करता है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि हम लोग इसको ब्रेक करके बाहर निकल जाएं और जो हमारा बुल रन है या फिर जो नया बुल साइकिल है हम उसके अंदर एंटर यहाँ पे कर जाएं। हालांकि इसके नीचे अगर गिरता है तो ऑलरेडी हम लोग लेवल्स पर बात कर चुके हैं, पहले तो व्हाइट लाइन चाहिए और एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का लेवल यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना है और मार्केट नीचे जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ वीक मारे और वापस इसके अंदर आके ऊपर की डायरेक्शन में चले जाए, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे ऐसे जोन में जहाँ पे कि वो लिक्विडेट करने की कोशिश बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली करेगा। तो ये दोस्तों पूरा के पूरा बिटकॉइन का सिनेरियो है। अब बिटकॉइन में यहाँ पे बेसिकली दो सिनेरियोस और हैं। पहला तो है कि असेंडिंग ट्रायंगल है, कुछ लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट लगभग 8 अगस्त के आसपास है, यानी कि आपको जुलाई के एंडिंग तक कोई ना कोई सा ब्रेकआउट का मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि मैं असेंडिंग ट्रायंगल देख रहा हूं, अगर कुछ भी चीज़ें चेंज होती हैं तो मैं चार्ट्स के ऊपर चेंज कर दूंगा,
आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर जाए यहाँ पे ई एम आई रिबन के बारे में, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ई एम आई रिबन का जो एरिया है वो इसको 9000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और यहाँ पर ई एम आई रिबन के ऊपर ही फिलहाल में प्राइस चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिड में जो कि 24000 के आसपास है, लेकिन अगर प्राइस वापस इसके ऊपर आगे क्लोजिंग दे देता है एक आध दिन में लगभग $9,350 के ऊपर, तो हम ये मान सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे बुलिश होना चाहता है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा, एंड स्टिल वॉल्यूम तो डिक्लाइन हो रहा है। मैकडी की बात करें तो मैकडी बहुत ज़्यादा ही साइड में आ गया है, जहाँ से कि अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि नीचे क्रॉस करेगा या फिर यहाँ पर इस तरीके का जर्क मार के ऊपर की तरफ जाएगा, तो वेट करना होगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई के अंदर भी सेम सिनेरियो है, जहाँ पे की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती हुई दिख रही है, यानी कि जो अभी बायर्स या सेलर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अभी हमें देखना होगा कि कौन इसको लीड करता है, एंड यस यही कहूँगा ब्रेकआउट से पहले ट्रेड मत करो, ब्रेकआउट जब हो जाए उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। हाँ, अगर $1000 का पंप नहीं आता है तो आराम से आपको टाइम मिल जाएगा कि आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात आती है, जो कि मैंने थंबनेल पे इमेज लगाई थी 2016 वर्सेस 2020 के पैटर्न की, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे BLX के चार्ट के ऊपर, और BLX के चार्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम चलते हैं डेली चार्ट, इट्स गुड। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फिलहाल में इस साल का पैटर्न है, हम 2018 से 2020 की बात करें तो 2018 में एक पंप आया या फिर आप कह सकते हैं रनअप आया सबसे पहला, उसके बाद से हमें एक यहाँ पे डिसेंडिंग ब्रॉडगेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो प्राइस है इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो वो इसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, जहाँ पर कि तैयारी हो रही है नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए। और यही सेम जो सिनेरियो बना था ये बना था 2016 के अंदर, जब मार्केट ने अपना एक बॉटम लगाया, बॉटम के बाद सबसे पहली रैली यहाँ पे स्टार्ट करी, उसके बाद थोड़ा सा डिप डाउन करा, लेकिन उसके बाद जो एक सेकंड रैली थी वहां से इसने एक कह सकते हैं डिसेंडिंग ब्रॉडगेज पैटर्न बनाया, उसके बाद उसको ब्रेक करा, कुछ टाइम तक वहां पे होवर करा और साइडवेज में जाने के बाद मार्केट सीधा पंप कर गया। तो ये तो उसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अभी का मार्केट है हमारा वो 2016-17 के मार्केट को रेप्लीकेट कर रहा है, और अगर ये पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट फुल्ली तरीके से रेप्लीकेट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम इस पोर्शन को यहां पर रखते हैं और ये पोर्शन इसी पोर्शन का सेम पोर्शन होता है इस तरीके से, तो लगभग आने वाले टाइम में हमें प्राइस $400,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अब ये श्योरिटी से तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, बट फिलहाल में अभी हम इन पैटर्न्स पे ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या मार्केट होता है। ड्रॉप होगा तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, पंप होगा तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, लेकिन ट्रेड हम तब लेंगे जब कन्फर्मेशन मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम लोग CME फ्यूचर के गैप्स के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो लेट्स चेक करते हैं कि अब से रेगुलर वीडियोस यहाँ पे डाल पाएं। तो फिलहाल में यहाँ पे कोई भी खास CME फ्यूचर गैप देखने को नहीं मिल रही है, एक छोटी सी गैप है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे, जो कि 9300 के आसपास है, तो अगर शॉर्ट टर्म में इसको फिल करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो गैप्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही है, ना ही यहाँ ऊपर की तरफ है, तो हम लोग बड़ी वाली गैप जो हमने लास्ट टाइम भी टारगेट करी थी हम उसको ही करके चलेंगे, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो फॉलिंग वेज है या फिर जो चैनल है ये ब्रेकआउट और प्राइस इससे बाहर निकल के यहाँ पे आ सके। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पे है वो है दोस्तों डोमिनेंस बिटकॉइन की। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो ड्रॉप होकर इस बॉक्स में आ गई है, जिसका हम लोगों ने बोला था, और स्टिल अब यहाँ पे चांसेस है कि जो डोमिनेंस है वो वापस ऊपर की तरफ पंप कर जाए, और अगर ऐसा होता है तो अल्ट्स की जो पार्टी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और आने वाले टाइम में हमें बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ता हुआ और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ मिल सकता है। अगर मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ पर रिमूव कर दूँ तो आपको एक बहुत ज़्यादा सही चीज़ देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर इसका चैनल, और ये चैनल के अभी एकदम एंड पॉइंट पे है। फिलहाल में कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ पे मार्केट गिरेगा या संभलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे यहाँ पर एक चैनल था और चैनल के बाद प्राइस जो डोमिनेंस है वो बूम करके ऊपर चला गया था, तो इसलिए अभी हमें थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहें तो ये यहाँ पे एक बॉक्स और लगा सकते हैं, इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, इसके नीचे का डोमिनेंस ड्रॉप होता है तो ये अल्ट्स के लिए अच्छा होगा, पर बिटकॉइन की शायद ये चीज़ अच्छी ना हो पाए। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों को फोकस करना होगा, और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो जो डोमिनेंस है वो बाउंस करके ऊपर जा सकता है, एंड बाउंस में फिर 80% तक भी कैप्चर कर सकता है, और उस टाइम पर अल्ट्स की हालत ख़राब हो सकती है, या फिर अगर साइडवेज जाता है तो भी अल्ट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम लोगों को प्राइस में एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम जब डोमिनेंस आपका 90% के आसपास चल रहा था बिटकॉइन का, और जब वो नीचे ड्रॉप कर रहा था तब जाके जो अल्ट से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बिटकॉइन का मार्केट है उसमें कम पैसा जाएगा तो ही अल्ट यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। इसके साथ अगर टोटल मार्केट कैप की यहाँ पे बात करी जाए, जो कि बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप है, आप इसको अलग अलग वे से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में अगर मैं इसको सिर्फ टॉप एरिया से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा परफेक्टली, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि टोटल मार्केट कैप भी
स्टिल होवर कर रहा है इस लाइन के ऊपर, और अगर ये प्रॉपरली ब्रेक करता है ऊपर अपने एरिया को जो कि अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा 283 बिलियन के आसपास, तो यहाँ पर हम लोग एक नए बुल मार्केट की शुरुआत समझ सकते हैं और ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम लोग ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं इथेरियम कॉइन के बारे में, एंड स्टिल इथेरियम भी अपने एक 24 जून के अंदर फंसा हुआ है जो कि हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे देखा था, एंड लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पंप कर चुका है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल में इसका भी कोई खास यूजेस नहीं है और ये वाला चैनल भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो स्टिल अभी हमें वेट करना होगा कि एटलीस्ट $252 के ऊपर इथेरियम जाके सस्टेन करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और स्टिल अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर लगभग लगभग एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन होता हुआ मिल रहा है, पैनेंट भी इसे कह सकते हैं, थोड़ा सा पैनेंट जैसे ये दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर ये बुल पैनेंट बनता है या फिर एक बुल फ्लैग बनता है तो लगभग प्राइस यहाँ से ब्रेक करके ऊपर $265 जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया जरूरी है कि $254 के ऊपर प्राइस जाके सस्टेन करें। अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो आपके पास जो वापस एरिया आएगा वो $220 यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉइन है लाइटकॉइन, लाइटकॉइन के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का सिनारियो है, बट अभी जो प्राइस है वो लगभग इस एरिया के आसपास सपोर्ट बना रहा है जो कि $43 के आसपास है, तो आपको वेट करना होगा यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस होती है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे हमारे पास $40 है जहाँ पे कि हम रीएक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, बट इतने बड़े टाइम के इतने बड़े पैटर्न के बाद से इसका जो ब्रेकआउट हुआ है तो आई थिंक कि ये अपने जो हाई है उसको टच करने की कोशिश करेगा जो कि $49 है, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि अगर यहाँ से वापस मार्केट $44-$45 के आसपास आता है तो यहाँ पे $49-$50 तक टारगेट करने वो यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक, और चेन लिंक मतलब आप सभी लोग जान ही गए हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस है, हालांकि मेरी जो $8 की प्रेडिक्शन थी वो यहाँ पे सही निकली है। अब आगे अगर आप पूछना चाहते हैं कि आगे कितना आ सकता है तो इसकी पॉसिबिलिटी है $15 तक जाने की, बट हाँ इसमें टाइम लग सकता है, एकदम से नहीं जाएगा जो ये शूटअप हुआ है, क्योंकि अभी ये जो पैराबोलिक मोमेंटम आ रहे हैं यहाँ से अगर आप लेते हो कर्व को ये वाला और आप यहाँ से लगाने की कोशिश करो तो ये पूरा एक पैराबोलिक मोमेंटम है, या फिर आप इसको अगर वन डे के अंदर भी लेते हो तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके का एक पैराबोलिक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, और ये पैराबोलिक मोमेंटम कभी ना कभी एंड होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर प्राइस ऊपर गया है तो प्राइस नीचे भी गिरेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, और इस तरीके से साइकिल यहाँ पर बनती है। पर मगर अभी के हिसाब से अगर बात करी जाए तो फिलहाल में अभी हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए $10 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म देखना है, लेकिन अगर कोई भी करेक्शन यहाँ पे आता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगा जो कि इसको थोड़ा सा ड्रॉप के लेवल पे यहाँ पे ला सकता है। बट चेन लिंक पर नज़र रखो क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे, मैं बहुत टाइम से इस कॉइन के बारे में बता रहा हूँ, इस पर अगर नज़र नहीं रखोगे तो ये शायद भाग सकता है। आने वाले बुल रन में कितना होगा किसी को नहीं पता, बट अगर $100 भी पहुँच गया तो आज का रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीप है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में, और BNB कॉइन ने दोस्तों फाइनली अपना जो बेस रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर गया, जो हमारे टारगेट से $18 तक वहाँ पे हिट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, आज आई थिंक इसका PNP बर्न था जो कि कंप्लीट हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो इस मंथ में हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो प्राइस है वो वापस ऊपर आता है $18.5 के तो हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं फिर $26 और मिड में $20-$22 के आसपास में, तो ये लेवल आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख के यहाँ पे चलना रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है ऑन्टोलॉजी, फाइनली जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि ऑन्टोलॉजी अगर इस लाइन के ऊपर आता है तो ये बुलिश होगा, एंड फाइनली इसके ऊपर आया, यहाँ पर आप प्राइस इसको देख सकते हो, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है। ऑन्टोलॉजी की बेसिकली गूगल के साथ पार्टनरशिप हुई है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा ऑन्टो के ऊपर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अब बुलिश हो चुका है, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, हालांकि मैं कहूँगा ये थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैनल क्रिएट हो रहा है, बट यस क्योंकि बुल मार्केट के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो बेयरिश पैटर्न्स है वो यहाँ पे बुलिश हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा कि क्या होता है। बाकी अगर आप री एंट्री करने की सोच रहे हो तो 0.80 USDT ब्रेक हों तो उसके बाद ही री एंट्री करना, ताकि आप आगे का जो टारगेट है $1.10 के आसपास वहाँ तक यहाँ पे अचीव कर सकें। हालांकि मेरे को इस चैनल का देखना होगा, अगर ये चैनल ब्रेक करता है तो करेक्शन भी यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिपल के बारे में, और रिपल फिलहाल में जाके अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पे टकरा गया है जो कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर रिपल ऐसे जाता है तो ये इसके लिए टारगेट हो सकता है। फिलहाल में यहाँ पे एक्युमुलेशन चल रहा है, आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह से मोल्ड करते हो नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा, और हो सकता है बुल फ्लैग की तरह अपना ऊपर जो टारगेट है 0.23
उसको हिट करने यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों नियो। नियो फिलहाल में यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन स्टिल अब भी मैं इस पैरेलल चैनल को हटा देता हूँ क्योंकि इसका भी काम नहीं है। और यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, और अगर ये हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर जाता है आपका ब्रेकआउट पॉइंट से, तो आप ये चीज़ मान के चल सकते हो कि जो प्राइस है लगभग 12.9 या फिर $13 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है कि ये कब क्या चीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों यूएस। यूएस की पार्टी फिलहाल में यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो स्टिल इसको ड्रॉप कर रहा है। इसके ऊपर अगर प्राइस आता है तो हम लोग टारगेट $3.1 के आसपास यहाँ पे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों वजीरेक्स कॉइन। एंड वजीरेक्स कॉइन में लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करा था, फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बट ये कहूँगा कि वजीरेक्स कॉइन स्टिल बुलिश है, इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। आने वाले टारगेट में 0.20 के आसपास लेके चल रहा हूँ, अगर जब तक कि प्राइस वजीरेक्स का 0.13 के नीचे ड्रॉप नहीं हो जाता। तो ये वाला जो बेस था लास्ट टाइम, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। ये वाला हमारे पास न्यू बेस है, जब तक इसके ऊपर प्राइस रहेगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.20 तक जो वजीरेक्स कॉइन है वो जाके हिट करें। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों तेजोस, और तेजोस का फाइनल यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन था ये ब्रेक होकर प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड स्टिल जो भी हमारा टारगेट रेंज है वो 3.9 के आसपास है, लेकिन इसके $5 जाने की भी संभावना है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगला टारगेट हो सकता है $5 पे जाके रोके। तेजोस थोड़ा सा बुलिश है लाइक अ लिंक कॉइन, तो आप दोनों को एक ही बास्केट में रख सकते हो, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम चेक करते रहो मार्केट को, क्योंकि मार्केट के चेंज होने में टाइम यहाँ पे नहीं लगता है। लास्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है बिटकॉइन कैश, एंड बिटकॉइन कैश यहाँ पे सोतू कॉइन बन चुका है फिलहाल में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस दर वाले पॉइंट से, तो लगभग एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। हालांकि डिसेंडिंग ट्रायंगल आना मतलब कि एक बेरिश पैटर्न होता है, बट पैटर्न की डेफिनेशन वही है 70-30% वाली। तो वेट करते हैं कि किस तरफ ब्लास्ट करता है। नीचे अगर ब्लास्ट करेगा तो हमारे पास 214 का लेवल है, ऊपर ब्लास्ट के लिए हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट $251 या फिर $252 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ताकि हम आगे के जो इसके मोमेंटम से उनको कैच कर सकें और लगभग टारगेट $350 तक यहाँ पे रख सकते हैं। बट हो सकता है एक्युमुलेशन भी चल रहा हो, तो हमें वेट करना होगा, ब्रेक के बाद ही हम एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। तो बस दोस्तों सारे के सारे कॉइन मैंने कवर कर लिए हैं, और इसके साथ अगर आप अल्टकॉइन की डोमिनेंस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टिल ये डोमिनेंस भी इस चैनल के या फिर आप कह सकते हैं डिसेंडिंग वेज के अंदर यहाँ पे अटकी हुई है। तो इसके ब्रेक पॉइंट के ऊपर हम सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है बुलिश और अल्ट सीजन अभी थोड़ा लंबा चल सकता है, अगर इसके ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ तक 258 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक जाता है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी। और अभी जो जो कॉइन प्रॉफिट दे रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं सीधे अपने न्यूज़ पर। सारे कॉइन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज आ रही है ओके कॉइन की तरफ से, और ओके कॉइन अपनी खुद की यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ओरेकल को लॉन्च कर रहा है, लाइक जो हम चेन लिंक के अंदर देखते हैं। और ये इनका होने वाला है डीफाई प्राइस ओरेकल करके, जो कि कंपाउंड टैग के ऊपर यहाँ पर बेस्ड रहेगा। तो फिलहाल में इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो हमें रिलायबल सोर्स चाहिए, यानी कि हमारे डीफाई को रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और जो प्राइजेस हैं उनको एकदम प्रॉपर तरीके से रखने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग ओके कॉइन के ऊपर ओके कॉइन ओरेकल को बिल्ड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो, आज सुबह की वीडियो में भी बताया था कि इनके पास खुद की चेन है ओके चेन, जैसे कि बाइनेंस की अपनी खुद की चेन है, तो ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही, और इन्होंने ये चीज़ बताया कि जो ओरेकल है बेसिकली वो एक ट्रस्टेड सोर्स रहेगा, जो कि मार्केट के डेटा को और किसी भी यहाँ पे जो पब्लिक ओके कॉइन की प्राइसेस रहेंगी उसको ऑन चेन यहाँ पे लाने में हेल्प करेगा, जो डेटा है उसके सोर्सेज को हेल्प करेगा, और ओरेकल पब्लिक की जो होगी वहाँ पर हम लोग यूज़ करते रहते हैं ओके कॉइन के अंदर। हालांकि थोड़ा टेक्निकली ये टर्म में चले जाएगा, लेकिन आप सिंपली ये समझ सकते हो कि ओके कॉइन का यूज़ अब ओके कॉइन की ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए भी करा जाएगा, क्योंकि उनका खुद का अब यहाँ पे ओरेकल भी आने वाला है। बाकी इसका जो भी कॉम्पिटिशन चल रहा है उसके ऊपर फोकस कर लेना, मैंने डिटेल वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है। अगली दोस्तों पर खबर आ रही है चाइना की तरफ से, और चाइना का दोस्तों यहाँ पे जो टेस्टिंग है डिजिटल युआन की, अब वो एक बड़े लेवल पर होने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पे फूड डिलीवरी एक प्लेटफॉर्म है जिनके पास 435 मिलियन यूजर्स हैं उनके साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पीपल बैंक ऑफ चाइना, उन्होंने अपना प्लान यहाँ पर रिवील कराया कि जो टेंसेंट कंपनी है जिसने कि आपका फेवरेट पबजी यहाँ पे बनाया है मोबाइल वाला, तो वो यहाँ पर उनकी एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है मितुआन दिनपिंग, ये जो कंपनी आप देख सकते हो मितुआन दिनपिंग जो है वो चाइनीज़ एक कंपनी जो कि लोकल फूड डिलीवरी यहाँ पे सर्विसेज करती है, जैसे कि हमारे जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई या फिर कोई भी कंपनी होती है, तो वो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जो कि, और इनके पास अब यहाँ पे जो इनका डिजिटल युआन है उसको टेस्टिंग होगी। और ये एक अच्छा तरीका, जिससे कि अगर ये टेस्टिंग कर लेते हैं तो इन्हें पता पड़ जाएगा कि इनका डिजिटल युआन कितना सक्सेसफुल यहाँ पे होने वाला है। हालांकि इसमें सिर्फ एक कंपनी नहीं है, और भी ऐसे अलीपे है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो यहाँ पे बैकअप देंगी इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने के लिए, लेकिन इनके पास खुद का
435 मिलियन का एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है और यहाँ पे डॉलर का यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर का पर डे का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके साथ अगर पीओबी की बात करें तो उन्होंने इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक डेट नहीं बताई कि इनकी जो डिजिटल करेंसी वो कब लॉन्च होने वाली है, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात है कि इनकी रिसर्च चल रही है और एक बड़े लेवल पे रिसर्च करके देख रहे हैं कि अगर वो सक्सेस हो जाती है तो यहाँ पे बहुत जल्द उसको लॉन्च भी कर देंगे। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे क्लाउड कॉइन की तरफ से। अब ये पॉन्सी स्कीम है या फिर नहीं है ये फिलहाल में अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है जहाँ पे कि इन्होंने ब्लॉकचेन फ्री अपना खुद का कॉइन यहाँ पे डेवलप करा है जो कि एक कह सकते हैं क्लाउड के ऊपर चलने वाला है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो क्लाउड कॉइन है वो बेसिकली क्लाउड पर डिजिटल करेंसी होगी जहाँ पे कि आपको कोई भी ब्लॉकचेन कोई भी पब्लिक लेजर या फिर कोई भी इंक्रिप्शन की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं होने वाली है और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा प्राइवेट डिजिटल करेंसी यहाँ पे होगी। ये जो टेक्नोलॉजी बेसिकली डीएनएस के ऊपर काम करेगी जो कि है डोमेन नेम सर्विस, यानी कि बस आपको डोमेन के नेम की सर्विस के हिसाब से काम हो जाएगा और यहाँ पे आपको ईमेल टू ईमेल और ईमेल टू वॉलेट ट्रांजेक्शन हाईली सिक्योर यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अंदर जो रिस्क होगा वो भी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेट की नहीं होगी, तो आपके जो चोरी होने का खतरा है वो नहीं होगा और अगर आपके कोई भी टोकन यहाँ पे घूम जाते हैं या फिर कोई चुरा लेता है तो भी वो यहाँ पे इजीली रिकवरेबल है, तो क्योंकि यहाँ पर इनका पूरा एक सेंट्रलाइज तरीके का सिस्टम यहाँ पे डेवलप होगा। हालांकि उन्होंने ये बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी वो बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उसको मैनेज करना डिफिकल्टी है और फीस हाई है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन में टाइम लग जाता है, लेकिन जो क्लाउड टोकन है क्योंकि वो एकदम से एक नया कॉन्सेप्ट है या हम कह सकते हैं क्लाउड के ऊपर है तो हम लोगों को ऐसे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली और मास अडॉप्शन के लिए ये सारे चैलेंजेस से ऊपर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोस्तों आज की पूरी न्यूज़ थी जहाँ पे कि क्लाउड कॉइन है, बट इसको सर्च मत करने लग जाना क्योंकि अभी तक ये लाइव नहीं हुआ है। अगली दोस्तों पर खबर आ रही है जापान की तरफ से। जापान खुद अपनी सीबीडीसी के ऊपर काम कर रहा है, आप सभी को पता है कि चाइना के बाद अब जापान यहाँ पर लग चुका है लाइन में और यहाँ पर जो ऑफिशियल इकोनॉमिकल प्लान है वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो फिलहाल में जापानीज जो गवर्नमेंट है वो कंसिडर करेगी जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उसको एक इकोनॉमिकल ऑफिशियल इकोनॉमिकल प्लान के थ्रू जहाँ पे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके उन्होंने अर्ज कराया कि जितना जल्दी हो सके इसको लेके आया जाए सीबीडीसी को ताकि जो जापान है वो किसी भी रेस में पीछे यहाँ पे नहीं छूट जाए। तो आप सभी को पता है चाइना सबसे पहले आगे लगा हुआ है, अब जापान लगा और ये दो कंट्रीज जब लगेंगी तो बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे आएंगी। अमेरिका भी यहाँ पे टक्कर देने की कोशिश करेगा, अमेरिका करेगा तो इंडिया भी करेगा एंड घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी कि सबको इन द एंड इसको अपना नहीं यहाँ पे पड़ेगा। तो ये तो उसे बहुत ही अच्छी खबर है और हालांकि इसमें तो और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बट सीबीटीसी के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं जो कि इन्होंने अनाउंसमेंट करा कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे और इससे पहले भी जो क्रिप्टो है या फिर जो बिटकॉइंस है वो जापान में वैसे भी लीगल टेंडर है तो आपको उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही पेपाल की तरफ से। हम सबको जो एक लास्ट खबर मिली थी कि हो सकता है कि जो पेपाल है वहाँ पे ट्राई कर रहा है क्रिप्टो के ऊपर कुछ अपने प्रोडक्ट्स को बनाने की, लेकिन इस बार जो न्यूज़ है वो और ज़्यादा कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे जो पेपाल के डेवलपर है वो क्रिप्टो करेंसी की कैपेबिलिटी को यूरोपियन यूनियन को एक लेटर भेजा। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि जो पेपाल था उसने एक लेटर भेजा यूरोपियन यूनियन को कि आपके जो यूरोप है उसके अंदर जो लॉज हैं फॉर क्रिप्टो करेंसीज की उसको कैसे पेमेंट लिए करा जाए या फिर जो फ्रेमवर्क है वो हमें यहाँ पे बता दिए जाएँ और यहाँ पे हो सकता है कि इस न्यूज़ से ये चीज़ अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की कैपेबिलिटी को चेक करें क्योंकि इस पर पहले भी न्यूज़ आई थी कि पेपाल ऐसा कुछ करने वाला है और डेफिनेटली पेपाल ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जॉइंट है और वो नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से पेमेंट का कोई भी प्रोसेसिंग मैथड यहाँ पर छूट जाए क्योंकि अगर क्रिप्टो खुद में पेमेंट प्रोसेसिंग मैथड है पेपाल की हमें क्या जरूरत है। तो यहाँ पे जो यूरोपियन कमीशन है वो पेपाल के यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे जो क्रिप्टो कैपेबिलिटीज उनको चेक कराए और यही इस पूरे आर्टिकल में बताया गया कि यहाँ पे जो पेपाल है वो कोशिश कराए कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मिल जाए ताकि यूरोपियन यूनियन में वो अपना जो रोल आउट है क्रिप्टो करेंसीज का वो यहाँ पे कर सकें। अब देखते हैं कि पेपाल की तरफ से ऑफिशियल कन्फर्मेशन कब होता है, लेकिन ये सारे न्यूज़ हमारे लिए तो अच्छे हैं क्योंकि एडॉप्शन इससे तेज़ी से यहाँ पे बढ़ सकता है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है, ये आ रही ईरान की तरफ से और ईरान दोस्तों आपको पता है कि माइनिंग में सबसे ज़्यादा स्पीड पकड़ चुका है तो ईरान ने यहाँ पे 14 बिटकॉइन जो माइनिंग फार्म है उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ दे दिया है 47% का और लास्ट टाइम यहाँ पे ईरान ने 1000 क्रिप्टो माइनर्स को लाइसेंस भी दिया था कि आप क्रिप्टो माइनिंग करो जिससे कि इनकी जो देश की जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली थी। अब इंडिया को ये कोई बात समझा दो तो उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी तो ये अच्छी बात है कि 14 जो माइनिंग फार्म्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ी सी छूट मिली है कि यार इलेक्ट्रिसिटी में एटलीस्ट 50% से ज़्यादा ही कट ऑफ मिल गया है तो और क्या चाहिए अब, तो चलो आयरन वहीं पर अपन भी माइनिंग करेंगे। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों थोड़ी सी डराने वाली है क्योंकि जो तेतर है उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अकाउंट यहाँ पर फ्रीज करें। फिलहाल में आपको बताया जा रहा है जिनके अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर के USDT रखे थे उन 40 एड्रेस को अभी तक यहाँ पे रेगुलेटरी प्रेशर के कारण तेतर ने फ्रीज कर दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप तेतर अपने हार्डवेयर वॉलेट में रख रहे हो कहीं भी रख रहे हो तो मत रखो, फ्रीज हो सकता है।
क्योंकि वो एड्रेसेस उनके हैं या फिर इनका कुछ वॉलेट है। एक्सचेंजेस पे ठीक है क्योंकि वहाँ पे तो आप स्विच कर सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि इन्होंने यही बताया कि जो 40 इथेरियम एड्रेसेस है जो कि होल्ड करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर, किसी के 100-200 डॉलर भी नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर, वो यहाँ पे टेथर की क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। और ये सारे के सारे आप सेंट्रलाइज कौन है तो कुछ कर नहीं सकते। डाई को यूज़ कर लो या साई को यूज़ कर लो, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो रिसर्च है वो ये बताती है कि 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 के अंदर 24 वॉलेट्स को यहाँ पे फ्रीज करा गया था, जिसमें कि 1 लाख डॉलर या फिर आपके लोग 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा के यूएसडीटी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी सी एक बेकार न्यूज़ भी है क्योंकि तैतर की कंपनी है वो जो चाहे मर्जी चला सकता है, ब्लॉकचेन तो सिर्फ नाम की है और ना ही कोई आपको डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे बेस्ट है कि ऐसे कॉइन्स पकड़े जाएँ जो कि डिसेंट्रलाइज हैं, पैसे को सिक्योर रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट फ्रीज हो गया तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। अगली दोस्तों पर जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल ने यहाँ पे बताया कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे 900 मिलियन का क्वार्टर टू के अंदर इस साल यहाँ पे देखने को मिला है। लास्ट जो क्वार्टर था क्वार्टर वन 2020 का, उसमें इन्होंने 500 मिलियन की इन्वेस्टिंग उठाई थी और अभी इनको 900 मिला तो करीबन करीबन 1.4 मिलियन की इनकी इन्वेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो ये दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं ये बेसिकली क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के लिए उठा रहे हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ग्रे स्केल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट से स्टॉक से और हर जगह से रेगुलेटेड है। अगर ये क्रिप्टो के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्रिप्टो में कुछ बड़ा हो सकता है। आखिरी दोस्तों आज की जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वाली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से, जो कि एक ब्रिटिश का एक बैंक है और ये यहाँ पर इन्होंने क्रिप्टो कस्टोडियन के लिए 18 मिलियन का एक राउंड यहाँ पे शुरू करा है। तो यहाँ पर एक कंपनी है उसका नाम है मेटेको, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि बैंक है उसने इन्वेस्ट करा इस कंपनी के अंदर, जहाँ पे कि वो इनको कोल्ड सर्विसेज या फिर आप कह सकते हैं कस्टोडियन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। बेसिकली जो मेटेका है वो वर्क करती है सिलो के ऊपर, जहाँ पे कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोल्ड स्टोरेज और एक्सचेंज सर्विस की एबिलिटी मिलेगी डिजिटल करेंसीज और टोकनाइज असेट के कारण। तो आप समझ सकते हो ये जो बैंक है कितना ज़्यादा दूर का सोचा। आई डोंट थिंक कि इंडिया में भी कोई बैंक है जो इस तरह सोच रहा हो कि हम कस्टडी के सर्विस ले आएँ टाटा सर्विसेज के अलावा, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है ये दूर की सोचा कि लोगों को आने वाले टाइम में या फिर अब से यहाँ पे क्रिप्टो की जरूरत है तो ये लोग कस्टडियन को ही हायर कर रहे हैं ताकि क्रिप्टो को रखने का जो झंझट है वो इनके पास ना हो, किसी और के पास हो और ये पूरी की पूरी सर्विस यहाँ पे दे पाए, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम है। अगर बैंक्स भी ये काम करते हैं तो आने वाले केसेस में ऐसा नहीं होगा कि हम बैंक को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दें, एटलीस्ट बैंक का भी कुछ ना कुछ काम यहाँ पे रह जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।